हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़। जब भी हम नए कपड़े खरीदते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का एक फोम आता है, तो अगर आप कुछ एवरीडे यूज़ कर सकें, ऐसा बहुत ही प्यारा सा वंडरफुल डीआईवाई बनाना चाहते हैं तो इस फोम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस फोम को कट कर लिया है। 9x8 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब देखिए, इसी के साइज़ का मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है और एक मेन फैब्रिक लिया है, तो आप कोई भी इस तरीके का बचा हुआ फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों को हम सिलाई करके पैक कर लेंगे। अगर साइड से कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद कोई भी एक साइड से, मैंने ये जो मेरी 8 इंच था उस साइड से 1 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर देंगे। अब इसी के साइज़ की 8 इंच की हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को हम यहाँ पर उल्टी रख कर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड हिस्सा था फैब्रिक का, उसे भी हम जिप के साथ अटैच करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप के अंदर हमें रनर ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, अब ये हमारा पीस एक रेडी है। तो अब मैंने इसी के साइज़ का एक और अस्तर लिया है और अस्तर को हम यहाँ पर इस तरीके से मेन फैब्रिक को उल्टा रख कर अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें जो ज़िप है हमारी, वहाँ से इसे ओपन करके राइट साइड पर टर्न कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मिडल में हमें मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर मिडल में एक सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा और फैब्रिक लिया है और उसी के साइज़ की ज़िप ली है। अब ज़िप को हम यहाँ पर इस तरीके से ओपन करके दोनों साइड पर एक एक हिस्सा उसका अटैच कर लेंगे। ज़िप को उल्टी रख कर अटैच करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर लेनी है। प्रेस स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर रनर ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने एक और छोटा सा फैब्रिक लिया है 5x3.5 इंच का और इसे देखिए, हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दो साइड सिलाई करेंगे। एक साइड ऑटोमेटिकली ये पैक था, तो ये तीन साइड हमारा पैक हो गया और एक साइड ओपन रहेगा। हम यहाँ से इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे और इस तरीके से इसे अंदर फोल्ड करके हमें ऊपर भी सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड हिस्से को भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा दोनों हिस्से रेडी है। अब जो हमने एक फैब्रिक रेडी किया था, उसे हम इस तरीके से इसके बीच में सेट करेंगे और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड हिस्सा लेंगे और उसे भी हम इसी तरीके से पैक कर लेंगे। तो अब देखिए, ये इस तरीके से हमारा एक पॉकेट रेडी हो चुका है। अब इसे हमें इस तरीके से, जो मेन फैब्रिक था वहाँ पर जो हमने मार्क किया था, वहाँ पर मिडल में सेट करना है। मिडल में सेट करने के बाद हमें इस तरीके से दोनों साइड सिलाई करके इसे यहाँ पर अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल एक क्लच बैग आपको बनाकर दिखाया है। ये बहुत ही आसान है और एकदम यूनिक डिज़ाइन है। आप अपने हिसाब से जो चाहे वो फोम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप इस वेस्ट फोम का यूज़ करके इजीली बना सकते हैं। सो देखिए, इस तरीके से एक साइड हमने इसे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड इसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड अटैच हो चुका है। अब हमें ज़िप लेनी है। अब हमें 9 इंच की ज़िप लेनी है। जो हमारा मेन रेडी बैग है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके की मैंने छोटी छोटी दो स्ट्रिप ली है और इन दोनों को हम जिप के दोनों साइड पर अटैच कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो दोनों साइड हमारी जिप इस तरीके से लॉक हो जाएगी। इसके बाद हमें जिप को ओपन करना है और देखिए, जो हमारी मेन रेडी हिस्सा है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई करनी है। उसके बाद हमें ज़िप का जो सेकंड साइड है उसे इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। सो गाइस, देखिए यहाँ पर हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है।
और ये देखिए मल्टी पॉकेट वाला हमारा एक क्लच बैग रेडी हो चुका है। अक्सर एवरीडे हम इस तरीके के क्लच को यूज़ कर सकते हैं, एज अ पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।